इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद डॉक्टर कफील खान को रिहा करने का हुक्म इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डॉक्टर कफील खान पर एनएसए के तहत कार्रवाई गैर कानूनी है। अलीगढ़ डीएम की तरफ से भी एनएसए की कार्रवाई गैर कानूनी कहा गया। कफील खान को हिरासत में लेने की मुद्दत का तफसीली भी गैर कानूनी है। कफील खान का परिवार यानी कि उनका खानदान पढ़ा लिखा है, काबिल है, वसाइलमंद भी है, इसके बावजूद एक बेगुनाह को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। सोचिए जो परिवार काबिल नहीं है उन पर यह सिस्टम क्या क्या सितम नहीं करता होगा। एक बेगुनाह को 6 महीने तक जेल में रखा गया, क्या यह अपने शहरियों पर जुल्म नहीं है? बेगुनाहों को जेल में रखने वाले अफसरों और अपना फर्ज भूलकर ऊपर के आदेश का पालन करने वाले अफसर क्या नागरिकों पर जुल्म नहीं कर रहे? ऐसे अफसरों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी? अदालत को चाहिए कि नागरिकों यानी शहरियों को झूठे मामलों में फंसाकर जेल में रखने वाले अफसरों सरकार के लोगों के खिलाफ सख्त सजा दे। जितने दिन भी कोई बेगुनाह इंसान जेल में रहता है उसका मुआवजा उसे जेल भेजने वाले अफसरों और सरकार के लोगों से वसूल किया जाए। सिर्फ इतने से खुश नहीं हुआ जा सकता कि नागरिक को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। सवाल उससे आगे का है। सवाल यह है कि बेगुनाह होते हुए भी जेल में क्यों डाला जाता है? हाल ही में आई 2019 की नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट बहुत डरावनी है। वह रिपोर्ट बताती है कि सरकारें अपने शहरियों पर जुल्म कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जेल में सजा भुगत रहे कुल लोगों का 21.7% दलित है, जबकि जनसंख्या यानी कि आबादी में उनका तनासब सिर्फ 16% है। यानी आबादी में के हिसाब से करीब 6% ज्यादा दलित जेल की सजा काट रहे हैं। 21% दलित ऐसे हैं जो बिना सजा के ही जेलों में है, जिन्हें अंडर ट्रायल कहा जाता है। आदिवासियों के हालात भी बदतर है। भारत में आदिवासियों का आबादी में तनासब 8.6% है, लेकिन 13.6% आदिवासी जेलों में सजा भुगत रहे। इनमें 10.5% ऐसे हैं जो बिना सजा के ही जेलों में यानी कि अंडर ट्रायल है। यानी अपनी आबादी के हिसाब से 5% ज्यादा आदिवासी जेलों में बंद है। मुसलमानों के हालात भी बहुत बदतर है। भारत में मुस्लिम आबादी 14.2% है, लेकिन अंडर ट्रायल बिना सजा के जेल में बंद मुसलमानों का फीसद 18.7 है। यानी आबादी के हिसाब से 4.4% ज्यादा सजा काटने वालों का तनासब 16.6% यानी कि 16.6% है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जेलों में सजा काट रहे कुल लोगों का 51.6% या तो दलित है या आदिवासी है या तो फिर मुसलमान है, जबकि आबादी में इन तीनों का कुल तनासब 39.4% है। यानी आबादी के हिसाब से करीब 11% ज्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान जेलों में है। हमारे सामने ऐसे भी कई मामले आए हैं जिसमें बेगुनाह होते हुए भी भारत के शहरी होने के बावजूद अपनी जिंदगी के 4 साल से लेकर 25 साल तक जेल में बिताए। बेलगाम शहर के 2 नौजवान आज भी गुजरात के कैद खानों में पिछले 12 साल से बंद है। जेल में बिना फैसले के इन्हें अंडर ट्रायल रखा गया। क्या किसी जुर्म का फैसला सुनाने के लिए 10-12 साल लगते हैं? ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ था, जबकि भारत गुलाम था, लेकिन अब हो रहा है, आजादी मिलने के बाद हो रहा है। क्या सरकार के जरिए शहरियों पर किए जाने वाला यह जुल्म बंद होगा? वोट बैंक ध्रुवीकरण की राजनीति, अपने ही देश के नागरिकों की जिंदगी को कैद खानों में तब्दील कर दिया गया। बड़ी अदालतों ने थोड़ा भ्रम बनाकर रखा हुआ है। अगर यह भ्रम भी टूट गया तो काले और गोरे अंग्रेजों के हुकूमतों में फर्क महसूस नहीं किया जा सकता। बकौल मनोहर राणा के, अगर थोड़े भी इंसाफ परवर लोग हो जाते तो कोई बेगुनाह इन कैद खानों में नहीं मिलता। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।